जोहार गुरुजी तोला गाढ़ा गाढ़ा जोहार तोला झारा झारा जोहार गुरुजी तोला झारा झारा जोहार आचार्य श्री जी के चरणों में हम झुका रहे अपना माता जिनके जीवन की हर चर्या बन पड़ी स्वयं ही नवगाता जय नागम का वह सुधा कलश जो बिखराते हैं गली गली जिनके दर्शन को पा करके खिलती मुरझाई हृदय कली। ओम ह्रूम इक्ष्वाकु आचार्य गुरुदेव विद्यासागर महेन्द्राय अत्र अवतरतो शंभो षटितावाहनम जय हो। ओम ह्रूम इक्ष्वाकु आचार्य गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज अत्र तिष्ठे ठे 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 स्थापनम। ओम ह्रूम इक्ष्वाकु आचार्य गुरुदेव विद्यासागर जी महामुनिराज अत्र सन्नितो भव षट सन्निधि करणम परिपुष्पांजलि। आना जाना मिट जाए मेरा यह बंद काटने आया हूँ पानी गिरत है हवा चलत है पानी गिरत है हवा चलत है तोर दर्शन ला जिए तरसत झारा झारा जोहार गुरु जी तोला झारा झारा जोहार। गुरु जी के गौण माँ जन्म जरा मृत्यु विनाशन हेतु हमन जल ला अर्पण करत है। ओम रोम इक्ष्वाकाचार्य गुरुदेव विद्यासागर मुन्द्राय जन्म जरा मृत्यु विनाशाय जलम निरपामते। ये जल तो भगवान देखत है चंदा प्रभु कैसे झम 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 बरसाते। क्रोध अनल में जल जल कर अपना सर्वस लुटाया है निज शांत स्वरूप न जान सका जीवन भर से भुलाया है। ओम रूम इक्ष्वाकाचार्य गुरुदेव विद्यासागर मुन्द्राय संसार ताप विनाशनाय चंदनम निरपामते स्वाहा। गुरुजी मैं तेरी पतंग हवा बिच उड़ती जाऊंगी तुमने ना पकड़ी डोर मेरी तो मैं गिर जाऊंगी। हो गुरुजी मैं तेरी पतंग जड़ विज्ञान अरुण की किरणों से यह हृदय कमल भी खिल जावे। गुरुदेव छत्तीसगढ़ में आए हैं तो आज हम तोर गोड़ में छत्तीसगढ़ के चावर लाल चढ़ावत हो। ओम रूम इक्ष्वाकाचार्य गुरुदेव विद्यासागर मुन्द्राय अक्षय पर प्राप्त है अक्षतम निरपामते स्वाहा। तेरी कृपा से गुरुवर हो तेरी कृपा से गुरुवर प्रभु से मिल जाऊंगी तुमने ना पकड़ी डोर मेरी तो मैं गिर जाऊंगी। हो गुरुजी मैं तेरी पतंग। ओम रूम इक्ष्वाकाचार्य गुरुदेव विद्यासागर मुन्द्राय काम वाणी दंशनाय पुष्पम निरपामते स्वाहा। सपने में गुरुजी आए और बोले पास बिठा के कि मैं हूँ ना तो क्यों करता है मेरे होते क्यों डरता है कि मैं हूँ ना क्यों चिंता करता है मेरे होते क्यों डरता है इस क्षुधा रोग की व्यथा कथा भव भव में कहता आया हूँ अति भक्ष अभक्ष भके फिर भी मन तृप्त नहीं कर पाया हूँ नैवेद्य समर्पित करके मैं तृष्णा की भूख मिटाऊंगा अब और अधिक ना भटक सकूं यह अंतर बोध जगाऊंगा। ये बाबा तो बड़ा अलविला है ये बाबा तो बड़ा अलविला है हम भक्तों का सहारा है। गुरुदेव जब आपके चरणों में हम लोग दर्शन करने आते हैं तो हम लोग भूख प्यास सब मिट जाती है ऐसे ही आशीर्वाद दो कि हम लोग की सही में क्षुधा मिट जाए। ओम रूम इक्ष्वाकाचार्य गुरुदेव विद्यासागर मुन्द्राय क्षुधा रोग विनाशनाय नैवेद्यम निरपामते स्वाहा। आचार्य गुरुदेव विद्यासागर मुन्द्राय मोहंधकार विनाशनाय दीपम निरपामते स्वाहा। यह जग में भी मिसाल मत माँ श्रीमती के लाल सकीर तुझ क्या बतलाऊं
ये इतने दीन दयाल सखीर तुझ क्या बतलाऊं, सखीर तुझ क्या बतलाऊं। इन पाप कर्म तज पुण्य कर्म को चाहे रहा अपना नाथा, सुबह सुबह शर्म में मेरे पुतल है मैं इन्हें जलाने आया हूँ। इसलिए गुरु के चरणों में अब धूप चढ़ाने आया हूँ। ओम रूम इक्ष्वाकाचार्य गुरुदेव विद्यासागर मंदिराय अष्टकर्मणाय धूपम निर्पामते स्वाहा। पाना था जिसके द्वारा वह मिल बैठा मुझे ठिकाना है, करते हैं मुसीबत टाल सभी रख जान न कोई हाल, सकीर तुझ क्या बतलाऊं। ये इतने दीन दयाल सखीर तुझ क्या बतलाऊं, सखीर तुझ क्या बतलाऊं। ओम रूम इक्ष्वाकाचार्य गुरुदेव विद्यासागर मंदिराय महामोक्ष फल प्राप्ताय फलम निर्पामते स्वाहा। जग की वैभव को पाकर मैं निस दिन कैसा अलमस्त रहा, चारों गतियों की ठोकर को खाने में ही अभ्यस्त ही, गुरुवर तेरी गुण गाने अर्पित है जीवन के क्षण क्षण, सुमन समर्पित है हर साए जगती के कण कण, कर्नाटक के सद लगा ग्राम में मुनिवर तुमने मल हुआ उदित मानो रवि तम हरने वाला, परिवार आपका सबका सब जिन पथ पर चलने वाला है, वह वेद ज्ञान की छेनी से जिन काटने वाला है, तुम स्वयं तीर्थ से पावन हो तुम हो अपने में समय सार, तुम स्वाद बाद के प्रस्तोता वाणी मीणा के मधुर सा, तुम कुंद कुंद से कुंदन सा जग को कर देने, तुम निकल पड़े बस इसीलिए भटकों अटकों को पत देने, वह मंद मधुर मुस्कान सदा चेहरे पर बिखरी रहती है, वाणी कल्याणी है अनुपम करुणा के झरने झरते, तुम में कैसा सम्मोहन है या है कोई जादू टोना, जो दर्श आपके कर जाता नहीं चाहे कभी विलग होना, है शब्द नहीं गुण गाने को गाना भी मेरा अनजाना, स्वर ताल छंद में क्या जानू केवल भक्ति में रमजान, की निर्मल सरिता में अब गाहन करने आया हूँ, सबका सारा दुख दर्द हरो यह अर्घ भेंटने आया हूँ। मूर्ति है आराधक है योगीश्वर है महासंत है अरुण कामना देख सके युग युग तक आगामी बसन, सागर मंदिर के पावन चरणों में अनर्घ प्राप्त है अर्घ्य निर्पाम। अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्जायाणं नमो लोये सभ्यसाहूढं। बोलो असहकारी चंद्र प्रभु भगवान की, गुरु नाम गुरु आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज की, मूक माटी रचयिता आचार्य परमेष्टि गुरुदेव की, पूज्य मुनि श्री चंद्रप्रभु सागर जी वन राम सागर जी महाराज की। अहिंसा, अनेकांत और अपरिग्रह, यह हमारी पहचान। हम भारतवासी हैं, भारत में रहते हैं, अहिंसा की उपासना करते हैं और अनेकांत में जो साधवाद युक्त है उसकी प्रस्तुति के लिए प्रयास रखते हैं और से अपरिग्रह का सिद्धांत को फॉलो करते हैं, अपनाते हैं। उसी का परिणाम रहा कि गांधी जैसे ऐसे व्यक्ति
क्योंकि इस समय की बात चल रही है, आदिनाथ से लेकर महावीर तक तो और अनेक कुंद कुंद आचार्य वाली बात तो प्राचीन हो गई। इस समय भी, समय में भी गांधी जैसे व्यक्ति ने अपरिग्रह सिद्धांत हम सबके लिए बतलाया और उसकी साक्षात हमने उसको देखा भी है कि उन्होंने सिर्फ एक लंगोटी वाले कहे जाते हैं क्योंकि वो धोती भी घुटने तक पहनते थे। वो चाहते थे पूरा कुछ भी अच्छे से ओढ़ करके, और उस समय जिस समय अंग्रेजों का शासन था उस समय भी अपने हिसाब से सूट बूट पहन करके अपनी बात रख सकते थे। तो भारतीय व्यक्तियों की विशेषता रहती है कि वो जैसा कहते वैसा करके भी दिखलाते हैं, इसलिए वो महापुरुषों की श्रेणी में आते हैं। सब लोग कहते हैं कि आचार्य श्री के प्रति सब लोग आकर्षण क्यों रहता है, उसका कारण क्या है? और भी तो संत सभी अनेक प्रकार से पहले हुए हैं, तो उसमें एक ही बात समझ में आती है कि जिनकी कथनी और करनी एक सी होती है उनके प्रति अपने आप जुड़ाव और समर्पण हो जाता है। आचार्य महाराज जी ने अपनी कथनी और करनी में एक स्थापित कर लिया, इसलिए हम सबका आस्था श्रद्धा से उनके चरणों में मस्तक झुक जाता है। ये हमारी परंपरा रही है। हम सबका भला चाहते हैं तो अपने आप हमको उसका लाभ मिलता है। दीपावली में अन्य प्रोग्राम में सभी में आप लोग अपने घर में लिखते ना शुभ और लाभ, शुभ यानी अच्छा कल्याणकारी हो और लाभ सबको लाभ प्राप्त हो। आज के समय में लाभ में एक मात्रा और जुड़ गई है, नीचे नहीं जुड़ी है ऊपर जुड़ गई है। कैसी मात्रा जुड़ गई है? अरे बड़े समझदार हो गए आप लोग, तो समझ गए बात। जबकि ऐसी हमारी परंपरा नहीं रही है। एक पुरानी घटना आपने सुनी होगी, हम आपको बताना चाहते हैं, क्योंकि भारत हमेशा अपरिग्रह सिद्धांत को अपनाता रहा है, अनेकांतिक सिद्धांत को अपनाता रहा है, अपरिग्रह और से अहिंसा को अपनाता रहा है। तो उस समय इसलिए भारत देश को देखने के लिए विदेशी लोग भी आते थे। ये आज की परंपरा नहीं है, प्राचीन परंपरा है। आपने पढ़ा होगा इतिहास में कि अनेक विदेशी यात्री लोग, सबसे पहले तो यहाँ पर कौन आया था? वास्को डी गामा अभी आया था। उसके पहले तो चीनी यात्री कितने आए थे, उनमें फानयान और हेनसांग, हाँ इनके नाम उल्लेख मिलते हैं। तो उस समय जब उसने सुना चीनी यात्री ने कि भारत के भारतीय लोगों को लाभ के प्रति हमेशा उत्साह रहता है, शुभ लाभ में उनको लोभ नहीं रहता है, तो एक स्थान पर बहुत भीड़ लगी हुई थी, भीड़ लगी हुई थी और आपस में चर्चा वार्ता हो रही थी और काफी कोलाहल जैसा हो रहा था। समझ में नहीं आया, उस चीनी यात्री ने सोचा कि मैंने सुना कुछ था या निकला कुछ, हमने सुना था कि यहाँ के लोग तो आपस में प्रेम से रहते हैं, इसमें लड़ाई झगड़ा होता नहीं है भारतीय लोगों में, यहाँ तो उल्टा समझ में आ रहा है। पास में जाके देखा तो वहाँ पता चला कि दो किसान आपस में अपनी बात कह रहे थे। पहले जो हाई कोर्ट कचहरी नहीं होती थी ना थाना होते थे, ये तो पहले पंच परमेश्वर होते थे, सरपंच की जो व्यवस्था चल रही ना हुई ना, वास्तव में भारत की प्राचीन परंपरा है, क्योंकि पंचों के मुख में परमेश्वर विराजमान होता ऐसा कहा जाता। आपने सुना होगा ना अलका अलकू चौधरी और कौन सी कहानी, वो जम्मन सेठ वाली, जुम्मन सेठ वाली, तो उसमें यह होता था। तो उस हिसाब से तो उन्होंने उस समय सरपंचों की बात पंचों की बात मानी जाती थी, ये तो अंग्रेज लोग भारत में आए उन्होंने हमको गुलाम कर दिया और ये कोर्ट कचहरी के चक्कर में फंसा दिया। तो वहाँ पर देखा दोनों किसान आपस में अपनी बात रख रहे थे। एक किसान ने कहा कि हुजूर हमारे इसमें कोई गलती नहीं है, हमने इनकी हमारे पास ज़मीन कम थी तो हमने इनकी ज़मीन ले ली किराए में, बटिया में लेते ना, इनकी ज़मीन हमने किराए में ली थी, बटिया में ली थी, हम खेती कर रहे थे, खेती करते करते हमने तो ऊपर का खेत लिया था जिसमें मिट्टी होती काली मिट्टी होती, इसमें हम हल जोत रहे थे, उस हल जोतते समय हमको एक हल से एक हंडा इसमें फंसा मिला, हंडा खोल के देखा उसमें सोने की मोहरें वगैरह थी, हमने इनसे खेती के लिए ऊपर का खेत लिया था, अंदर की ज़मीन नहीं ली थी, अंदर की ज़मीन तो इन्हीं की है,
इसलिए सब फंडा जो मिला है ये हमारा नहीं है, ये तो जिससे हमने किराए से लिया है, बटिया में लिया, उनका माना जाएगा, इसमें हमारा कोई भी हक नहीं है, ये उनका होता है, इसलिए मेरी फरियाद सुनी जावे, ये उनका है, उनको दे दिया जावे। तो दूसरा किसान कहता है कि मैं तो इस खेत में हमारे बाप जो थे ना दादा, उस समय से हम खेती करते आए हैं, हमने पहले भी इसमें खेती की है, इसमें हल जोता है, यदि मान लो ये फंडा पहले से मैं होता तो हमको आज तक मिला नहीं, यदि होता हमको मिल जाता, ये तो इनके पुण्य से मिला है, इनको हमने पूरा खेत दे दिया था, अब इसका इसमें जो भी निकले इनका जान है, हम कुछ भी नहीं जानते हैं, इसलिए हमने इनको पूरा दे दिया था, इनका कहलाएगा, क्योंकि पहले होता तो हमको पहले मिल जाता, ये हमारा नहीं है। दूसरा किसान ऐसा बोल रहा था। अब आप सोचिए कैसी लड़ाई चल रही थी, अब उस अंग जो चीनी यात्री आया था उसका दिमाग घूम गया कि मैं सोच रहा था यहाँ लड़ाई झगड़ा होगा, ये तो भारत देश है, यहाँ पर धन को लेने की लड़ाई नहीं हो रही है, यहाँ पर हमको धन नहीं चाहिए इसलिए लड़ाई हो रही है, ये हमारी भारतीय संस्कृति हमारी पहचान थी। फिर बाद में पंचों ने क्या फैसला दिया, एक किसान इसको लेना नहीं चाह रहा है और दूसरा किसान भी इसको लेना नहीं चाह रहा है, अब इस धन का क्या उपयोग किया जावे, आज के समय में होता तो सरकारी खजाने में आ जाता और उसका हिसाब किताब चलता रहता और उसका क्या नाम से न्यायालय में उसके चलते रहते, 10-20 साल ऐसे निकल जाते, पड़ा पड़ा वहाँ पर डंप हो जाता। लेकिन उस समय पंचों ने क्या फैसला दिया, क्योंकि दोनों किसान लेना नहीं चाहते हैं, दोनों की भावना उदार रूप में है, दोनों दादा का परिचय देना चाह रहे हैं, इसलिए धन का उपयोग क्या किया जावे, पूरे गांव के विकास के लिए यहां पर नलकूप खुदवा दिया जावे, वृक्षारोपण करा दिया जावे, अस्पताल बना दिया जावे और शिक्षा के क्षेत्र में अच्छे गुरुकुल आदि ऐसे विद्यालय खोल दिए जावे, इससे जनता की उन्नति होगी, इससे समाज की उन्नति होगी, इससे गाँव की उन्नति होगी, क्योंकि भारत देश गाँव का देश है, गाँव की उन्नति होगी तो हमारा देश की उन्नति होगी, इसलिए पहले हमारी पहचान क्या थी, लाभ की थी, दूसरों को लाभ मिले उसके आगे मात्रा हम लगाना पहले नहीं चाहते थे, लेकिन आज का समय ऐसा आ गया कि हमारी भावनाएं लाभ की ओर कम लोभ की ओर ज़्यादा हो गई है, इसलिए संतोष रूपी धन हमसे चला गया है, इसलिए लाभ लेना चाहते हो तो शुभ साथ में रखो, शुभ लाभ दोनों होगा अपने आप संतोष हमारे पास में आ जाएगा, इसलिए हमारी पहचान क्या थी, ये वास्तव में जैन दर्शन का अपरिग्रह का सिद्धांत है, ये प्राचीन काल से भारतीय इसकी पूजा करता आया है, अहिंसा अनेकांत और अपरिग्रह, इसलिए अपरिग्रह बाद हमारी पहचान है, उसको हम समझें, परिग्रह आवश्यक तो होता है, क्योंकि बिना परिग्रह के तो हमारा घर गृहस्थी कैसे चलेगी, ये बात सही बात है, लेकिन उसकी मात्रा भी सीमा होनी चाहिए, लोग करोड़पति बन रहे हैं, करोड़पति अरबपति बनना चाहते हैं, पता नहीं कौन कौन से पति बनना चाहते हैं, इसलिए ध्यान से सुनो, आज जब सुनने में आया कि एक भारतीय नारी के लिए उसको सेना में लेफ्टिनेंट पद दिया गया, लद्दाख में एक शहीद हो गया एक व्यक्ति, दीपक सिंह उसका नाम था, उसकी शहादत हो गई देश की रक्षा करते करते, उसकी पत्नी ने क्या कहा, उसने नहीं बोला कि हमको उसके बदले में इतना हमको जो होता ना मतलब सुविधाएं चाहिए हैं, उसके बदले में जो उसकी पेंशन वगैरह बनी होगी उसका पैसा चाहिए, ये सुविधाएं चाहिए, उसने मांग नहीं की, उसने कहा कि मुझको इस सेना में हमको नौकरी दे मिल जावे, उसने मेहनत की और तारीफ की बात देखो भारतीय सरकार की, कि जहाँ पर वह शहीद हुआ था दीपक सिंह, उसकी पत्नी को वहाँ पर सेना में भर्ती करके, रेखा सिंह उसका नाम है, उसको लेफ्टिनेंट पद पर उसी स्थान पर नियुक्त कर दिया गया, ये लाभ की बात बता रहा हूँ आपके लिए, कि मेरे पति ने देश की रक्षा के लिए अपनी जान निछावर कर दी है, उसका लाभ देना चाहते थे मेरे पति, देश की रक्षा करना चाहते थे,
मैं भी भारत से उसके बदले में कुछ नहीं चाहूंगी, मैं भी ऐसी प्रण करती हूँ कि मैं भी वहां पर यह कार्य करूंगी। ये भारतीय शक्ति कहलाती है। भारतीय सेना में ऐसी शक्ति शामिल हो जाती है, नारी शक्ति आप लोग कहते हैं ना। एक उदाहरण बता रहे हैं आपके लिए। किसी व्यक्ति ने पूछा कि आप बोलते हैं, पत्नी ने कहा कि नारी कैसी है, उन्होंने कहा शक्ति है। नारी कैसी है, शक्ति है। तो फिर पति क्या है, उन्होंने बोला पति सहन शक्ति है। तो वास्तव में देखा जाए, हम भारत पहचान है ना, कि हमें सहन करने की शक्ति आना चाहिए। वर्तमान में हमारे पास में सहिष्णुता चली गई है, इसलिए शक्ति और सहन शक्ति दोनों का योग ही हमारी भारतीय की पहचान थी। इसलिए समझो इस बात के लिए कि हमको लाभ देखना है, लोभ नहीं देखना है, संतोष को अपने जीवन में अपनाना है, जो कि हमारी पहचान थी। भारतीय संस्कृति जैन संस्कृति थी और यह अहिंसा का सिद्धांत था, अनेकांत का सिद्धांत था और अपरिग्रह का सिद्धांत था। बोले अहिंसा परमो धर्म, जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोका लोक, सो वाणी मत धरूं सदा दीत। हे जनवाणी भारती, तू जपो दिन ज्योति रो शरणा गई, सो पावे सुख चैन।